खबर बहराइच से है, जहां पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का 20 सितंबर को नवसृजित नगर पंचायत प्रयागपुर में स्थित केवी इंटर कॉलेज में आयोजित हीरक जयंती के अवसर पर स्वर्गीय पंडित राम सेवक शर्मा प्राचार्य कक्ष में स्वर्गीय राजा रुदेंद्र विक्रम सिंह पुस्तकालय के उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। बहराइच के डीएम दिनेश कुमार, सीडीओ कविता मीणा, एसडीएम प्रयागपुर केपी भारती, विधायक प्रयागपुर सुभाष त्रिपाठी, राजा प्रयागपुर जयेंद्र विक्रम सिंह, मासी विधायक सुरेश्वर सिंह आदि की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री जी का काफिला कोट बाजार स्थित केवी इंटर कॉलेज की तरफ रवाना हुआ। वहां प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करने के पश्चात प्राचार्य कक्ष एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया। उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कार के रूप में चेक देकर हौसला बढ़ाया। तत्पश्चात कॉलेज द्वारा आयोजित हीरक जयंती में उप मुख्यमंत्री जी ने अपने सरकार के 4 साल 6 माह पूर्ण हो जाने पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए जनहित कार्यों पर प्रकाश डाला। इसके अलावा सांसद कैसरगंज ब्रजभूषण शरद सिंह, सांसद बहराइच अक्षय लाल गौड़, सदर विधायक अनुपमा जायसवाल सहित उपस्थित रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सलमान अहमद, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी यहाँ प्रयागपुर में प्रस्थान करेंगे और यहाँ आने के बाद केवी इंटर कॉलेज में पहुंचकर बच्चों को सम्मानित करेंगे और पुस्तकालय व प्रचार का आप सभी को उद्घाटन कराएंगे और बहुत से लोग यहाँ खुशी जाहिर कर रहे हैं अपना और बहुत भारी संख्या में यहाँ लोग एकत्रित हैं। उनके स्वागत के लिए काफ़ी पुलिस प्रशासन, एसपी, एडिशनल एसपी का खबर दिखाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। जयेंद्र विक्रम सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आदरणीय मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। बड़ी माला से विद्यालय परिवार के राकेश सिंह जी, अन्य सभी साथी, आदरणीय मुख्य अतिथि जी का आप लोग जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से अपने मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो मंच पे आने कष्ट करें। भाई श्री राजेश विश्वास जी और श्री समय प्रसाद मिश्र जी, दो लोगों ने कहा था कि हम स्वागत करना चाहते हैं, मंच पे आके जो भी भेंट करना है विलंब भेंट करने का कष्ट करें। यहाँ उपस्थित है उनको भी हम वस्त्र भेंट करके उनका स्वागत और अभिनंदन करने का कष्ट करें। मेरे साथ जोर से बोलिए, हाथ उठाकर बोलिएगा, बोलो भारत माता की। अभी लगा नहीं कि प्रयागपुर में आप लोग हो। प्रयागपुर बहराइच में महाराजा सुहेलदेव ने यहाँ पर जो मुगल शासक आए थे, आक्रांता आए थे, आक्रमणकारी, उनको भगाया था। आप उनके वंशज हो ना, इसे जोर से बोलना भारत माता की जय। बोलो भारत माता की। अब लगा कि आप यहाँ के हो। स्वागत। आज प्रयागपुर में बहराइच जिले में कई कार्यक्रम है और उनमें से भी जहाँ विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण का कार्यक्रम था, वही एक जनसभा का आयोजन है, उसके बाद प्रबुद्ध सम्मेलन है और विभिन्न शासकीय स्तर के लोगों के साथ बैठक और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक का कार्यक्रम है। आज प्रदेश का वातावरण बदला है और कल ही उत्तर प्रदेश सरकार ने 4.5 वर्ष पूरे किए हैं। 4.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश की प्रगति की गाथा माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो लिखी गई है, उसका शुभ परिणाम यह है कि जो अर्थव्यवस्था की 2017 में
2017 में अर्थव्यवस्था 11 लाख करोड़ की थी, आज जब 4.5 साल के अंतराल में हम सब बोल रहे हैं तो 22 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था आज उत्तर प्रदेश की बन चुकी है। उत्तर प्रदेश जो अपराधों के लिए जाना जाता था आज पूंजी निवेश के लिए जाना जा रहा है। कोरोना ऐसे संक्रमण काल में भी 56,000 करोड़ का निवेश हुआ है, पूरे प्रदेश में 3 लाख करोड़ रुपए की जो निवेश हुए थे उसकी योजनाएं आज तेजी से क्रियाशील हो रही हैं। प्रथम चरण पे आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स भी विभाग मेरे पास में है। हम लोगों ने लक्ष्य रखा था आईटी पॉलिसी बनाते समय कि 3 लाख करोड़ रुपए से हम लोग इसको जो आईटी का क्षेत्र उद्योग का क्षेत्र है इसमें हम काम करेंगे और यहां पर पूंजी निवेश का जो लक्ष्य था वो 60,000 और 20,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य 5 वर्षों में था, वो लक्ष्य 3 वर्षों में पूरा हो गया। अब फिर से 2020 में आईटी पॉलिसी बनाई गई और उसमें लक्ष्य रखा गया कि 40,000 करोड़ का निवेश हो और 4 लाख लोगों को 5 वर्षों में हम रोजगार दे सके। सीधा मतलब है आजादी के बाद पहली बार कोई ऐसी सरकार बनी है जिसने सरकारी नौकरियों में 4.5 वर्ष में 4.5 और एक भी नौकरी सरकारी नौकरी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा है। 1.5 लाख अध्यापकों की भर्ती, 1,37,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती और विभिन्न विभागों की भर्ती ने दिखाया है सरकारी स्तर पर की पारदर्शिता क्या होती है। 1,61,00,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से लघु उद्योगों के माध्यम से हुआ है। कृषि और किसान हमारी प्राथमिकता रहा है। आज हर घर नल, नहरों में पानी, 18 से 22 घंटे तक बिजली, प्रधानमंत्री आवासों को दिया जाना, समान राशि 6,000 ग्रामीणों के खाते में, किसान के खाते में पहुंचना, डीएपी खाद में सब्सिडी, दूसरी बार एमएसपी में बढ़ोतरी, 1,40,000 करोड़ रुपए का गन्ने का बकाया का भुगतान, हजारों की संख्या में गेहूं और धान के क्रय केंद्र सरकारी स्तर पर खोलना और उनका भुगतान सुनिश्चित करना, 119 गन्ने की चीनी मिलें लगातार 4.5 वर्षों तक संचालित रहे, कई ऐसी चीनी मिलें जो आपके जिले के आसपास भी हैं बंद पड़ी चीनी मिलों को वर्तमान सरकार ने चलाया। पहले की सरकारें चीनी मिल बेचा करती थी और वर्तमान सरकार चीनी मिल चलाया करती है। ये अभूतपूर्व परिवर्तन कृषि के क्षेत्र में हुआ। 36,000 करोड़ रुपए का ऋण की जो माफी है 86 लाख किसानों के बीच में प्रदेश सरकार की पहली कैबिनेट निर्णय के अनुसार हुआ। नकल विहीन परीक्षा, पाठ्यक्रम का परिवर्तन, 250 माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण, 77 डिग्री कॉलेज का निर्माण, 12 के आसपास विश्वविद्यालयों के निर्माण की कार्रवाइयों का संपादन होके प्रारंभ हो जाना और 20 वर्ष पहले जो पुस्तकों के मूल्य थे बोर्ड में आज एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम आजादी के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में लागू होना और 20 वर्ष पहले के दामों पर, सस्ती दामों पर पुस्तकों को एक अच्छे पाठ्यक्रम के साथ उपलब्ध कराना, हर विश्वविद्यालय में शोध पीठों का निर्माण, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, शोध गंगा पोर्टल करना, वृक्ष पड़े पदों को संस्कृत शिक्षकों को भरना और तमाम प्रकार के अन्य प्रावधियां इस सरकार में सामने आई है और वर्तमान सरकार का जो सदप्रयत्न रहा है उसने आज पूरे भारतवर्ष में अगर 100 मोबाइल बन रहे हैं तो 70 मोबाइल अकेला उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश में सबसे बड़ा जो डाटा सेंटर है वो बनाने वाला प्रदेश बड़ा है हमारे आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज 1,94,000 कैमरे लगा के परीक्षा होती है हाईस्कूल इंटरमीडिएट की। बराई से सलमान अहमद की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।